नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत हैं समाचार। अवैध तरीके से बालू खनन करते हुए चार ट्रैक्टर पकड़कर थाने में किए गए जब्त, की गई प्राथमिकी दर्ज। मझियाव थाना क्षेत्र अंतर्गत बोदरा बाकी नदी से अवैध तरीके से बालू खनन करने की सूचना पर मझियाव थाना प्रभारी कमलेश कुमार महतो के द्वारा दो ट्रैक्टर्स को पकड़कर थाने में जब्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ग्राम पंचायत बोदरा के बिछी गांव के प्रयाग चौधरी एवं हरदुल चौधरी का बताया गया। वहीं अंचलाधिकारी रामजी प्रसाद गुप्ता के द्वारा अवैध तरीके से बालू खनन कर परिवहन करते हुए पकड़े गए ट्रैक्टर के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। इस संबंध में थाना प्रभारी कमलेश कुमार महतो ने बताया कि शनिवार को थाना कांड संख्या 70/22 के तहत अवैध उत्खनन मामले में ट्रैक्टर मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर अंचलाधिकारी रामजी प्रसाद गुप्ता एवं थाना प्रभारी कमलेश कुमार महतो ने बताया कि अवैध तरीके से बालू खनन करने या अवैध कारोबार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कुशुम यादा मर बांकी नदी से दो ट्रैक्टर्स को किया गया जब्त। वहीं बरडीहा थाना क्षेत्र के जत्रो बंजारी गांव के कुशुम यादा मर बांकी नदी से दो ट्रैक्टर जब्त किए गए। इस संबंध में बरडीहा अंचल सीआई राजकुमार गुप्ता ने बताया कि लगभग 10 बजे के आसपास ये छापेमारी की गई थी, जिसमें बांकी नदी से दो ट्रैक्टर बालू उठाव करते हुए पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि गाड़ी उसी गांव की है। दोनों ट्रैक्टर बरडीहा थाने में जब्त करते हुए कार्यवाही करने हेतु खनन विभाग को पत्र भेजा गया है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल गीतांश टीवी। हरी ओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड रेहला पलामू, विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673।